राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रहा है। इस बार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विधि से 2 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को फाइलेरिया की दवा स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षित कर्मी घर घर जाकर पूरे परिवार को अपने सामने दवा खिलाएंगे। अभी तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर दवाओं का वितरण कर देते थे। तमाम अफवाहों के चलते अधिकांश लोग दवा ले तो लेते थे, लेकिन खाने की बजाय उसे फेंक देते थे, जिससे अभियान की सफलता पर ग्रहण लग रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने के लिए इस बार व्यापक कार्यक्रम तैयार किए हैं। कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर अपने सामने दवा खिलाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चलाए जाने वाले सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम की सूक्ष्म कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में उपस्थित मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन ने कहा कि फाइलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में 7 जुलाई से 14 दिनों तक सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक कर अभियान को सफल बनाने में मीडिया कर्मियों का योगदान अहम है। उन्होंने बताया कि 2 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को फाइलेरिया की दोनों दवा खिलाई जाएगी। इसको लेकर 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को DEC एवं अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। यदि वर्ष में एक बार परिवार का प्रत्येक सदस्य फाइलेरिया की दवा खा लेता है तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। यह बीमारी मच्छरों से फैलती है। फाइलेरिया के अलावा इसे हाथी पैर भी कहते हैं। 14 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान ANM के अलावा आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाएगी, जबकि शहरी क्षेत्र में ICDS अंतर्गत काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। दवा खाने के बाद अगर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव होता है तो उसके जांच के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को दवाई खिलाने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी करेंगे। उन्होंने जन सामान्य से अपील की है, इस रोग को जड़ से मिटाने के लिए जन सहयोग की जरूरत है। बिना जन सहयोग के कोई काम संभव नहीं होता है। ऐसे में जब स्वास्थ्य कर्मी घर पहुंचेगा तो प्रत्येक परिवार अपने परिवार के सभी लोगों को इस दवा को खिलाएं, ताकि फाइलेरिया को जड़ से समाप्त किया जा सके। सर, फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर कब से कब तक का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? 7 जुलाई से लगातार 14 दिनों तक। किन किन को दवाइयाँ खिलाई जाएंगी सर, क्या लक्ष्य है? इसमें चाहते हैं सभी दवा खाएं। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं खिलाना है, गर्भवती माताओं को नहीं खिलाना है, और जो बुजुर्ग हमारे बीमार रहते हैं, कुछ न कुछ बीमारी रहे उनको, जैसे परेशान हैं तो उनको नहीं खिलाना है। तो हमारा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक पहुँचे हम समाज में, लेकिन खिलाना है दवाई, हाथ में देकर लौटना नहीं है। तब तो सिक्योर नहीं हुआ कि खाया या नहीं खाया, और ये भी एकदम इम्पोर्टेंट बात है कि खाली पेट ये दवा नहीं खाना है। कहीं किसी को कठिनाई होगी दवा खाने के बाद तो अपना उस एरिया के PSC में जाकर कौन से भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, वहाँ रैपिड रिस्पांस टीम है जो आके केयर लेगी उस आदमी का जिसको थोड़ी परेशानी।